सादा स्टेज, आपने सिर्फ एक ही मीनिंग निकाला, सादा सी स्टेज, जिसी सरेल स्टेज। अगली स्टेज आती है इन विच यू ट्राई टू एक्सप्लेन द इमेजेस स्कैटर्ड इन टू अ पीस ऑफ पोएट्री, जो बिखरे होते हैं पोएट्री के अंदर। ये कब स्टेज आती है? जब आप वन टू वन कॉन्टेक्ट से निकल जाते हैं, तब आप इमेजेस की तरफ आते हैं। जब एक बच्चा माँ के साथ फर्स्ट कांटेक्ट में आता है तो वो सिर्फ नीड पे बात कर रहा होता है, नीड ऑफ मिल्क और वाटर, बस इसके अलावा कुछ। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें मैंने पहले कहा 6 to 18 मंथ का ये ड्यूरेशन होता है, इसमें वो डिमांड कर रहा होता है खिलौनों की, फलां ला के दो, फलां ला के दो, डिमांड करता है वो किससे भी आदत। यहाँ पे इमेजेस उसके माइंड में पैदा होते हैं, बच्चे के माइंड में बाहर की चीजों को देख के पैदा होते हैं। मतलब किसी दूसरे के पास उसने गाड़ी देखी, साइकिल देखी, आके अपने फादर से डिमांड की मुझे भी साइकिल ला के दो। दिस इज द स्टेज ऑफ डिमांड। डिमांड वाली स्टेज वो है व्हेन डिफरेंट इमेजेस अकर एंड दे अपीयर इन द माइंड ऑफ अ बेबी। इमेजेस आते हैं जाते हैं, इमेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, इमेजेस पैदा हो रहे हैं ज्यादा ज्यादा ज्यादा। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जब फादर कहता है बिलाल को कि बाहर जाओ और बाहर जाके खुद बार्गेनिंग करो, सामान खरीद के लेके आओ, ताकि तुम्हें सोशल कॉन्टेक्ट की समझ आए, ताकि तुम्हें बाहर के लोगों को डील करना आए। वो होती है सिंबॉलिक स्टेज। वहां पे फिर आप एक से ज्यादा परसेप्शन कर रहे होते, इंटरप्रेट कर रहे होते। ये थर्ड स्टेज है। आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन, बेसिकली चार स्टेज है, सॉरी तीन स्टेज और चौथा तो वाइंड अप है ना, चौथा वाइंड अप है, इसलिए मैं चार को ही बार बार फोकस कर रहा हूँ, ताकि आप चार पॉइंट्स और चार स्टेप्स को फॉलो करें। अगर वाइंड अप नहीं करेंगे, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। वाइंड अप करना, आपने कंक्लूड भी करना, कनेक्ट किन किन पॉइंट्स के साथ करना है, कौन सी आपने वोकैब इस्तेमाल करनी है, मैंने चार पांच वर्ड भी बता दिए, और जिस चीज चार पांच चीजों को आपने अप्रिशिएट करना वो भी बता दिए, टोन को, मूड को, डिक्शन को, रिदम और राइम को, समझ आई ना, द यूज ऑफ मीटर है, जितना भी फर्दर आप डिटेल में जा सकते हैं। अभी आप सिंपली चंद पॉइंट्स के गिर्द रहेंगे ना, तो आपको पैरामीटर आ जाएगा, उसके बाद फिर डिटेल जो मर्जी करते रहेंगे आप, कि स्कीम प्लान है, ए बी है, ए ए ए है, बी बी है, सी सी है, आप स्कीम्स पे जाएं, बार में जाएं, पहले आप मोटा सा कंसेप्ट सीख लें। आर्ट ऑफ पर्सिफिकेशन, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी पीस ऑफ पोएट्री। इसके पीछे वाला जो स्टेप है वो है सिंबलिज्म वाला। सिंबलिज्म के अंदर सारी लिटरेचर की डिवाइसेस भी आ रहे हैं, सारी लिटरेचर की टेक्निक्स भी आ रहे हैं। इससे पीछे वाला जो दूसरा स्टेप है वो है इमेजेस का। व्हेन इमेजेस कम इन टू द माइंड ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड कितना है, 6 to 18 years old, 6 month to 18 month, इतना उसका ड्यूरेशन। ये लिखा हुआ है बेकॉन पर। जो फर्स्ट स्टेज है वो है नीड वाला स्टेज है, नीड, दूसरा डिमांड, और तीसरा है सोशल कॉन्टेक्ट वाला।